हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसानों ने आक्रोश जताकर सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान संघ के बैनर तले रेवदर तहसील की मासिक बैठक सरेसी माता मंदिर में जिला अध्यक्ष गणपत सिंह डागराली की अध्यक्षता में आयोजित हुई। किसान संघ के जिला मंत्री सुजान सिंह देवड़ा ने जागरूक टीवी को बताया कि पूर्व साल में हुई बारिश के दौरान रेवदर तहसील के हजारों किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ था, जिसमें कई किसानों के खेत पूरी तरह नष्ट हो गए थे। लेकिन एक साल बीतने के बावजूद सरकार द्वारा कोई उचित मुआवजा और फसल बीमा सहित खेतों में विद्युत कनेक्शन नहीं मिलने पर किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला मंत्री ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई ध्यान नहीं देने के कारण रेवदर तहसील के सैकड़ों किसानों को कर्ज बोझ होना पड़ रहा है। हालांकि बैठक के बाद सैकड़ों किसानों ने जिला कलेक्टर के नाम रेवदर उपखंड अधिकारियों को आंदोलन कर उचित मुआवजा और फसल बीमा दिलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंडार से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।